अब फ्रेंड्स हम लोग अपना सेकेंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर में ही, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, ठीक है, ईच विथ गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट। मतलब ये जो आपका दिया हुआ है 1/4, ये हमें सम दिया हुआ है, और ये जो -1 दिया हुआ है ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सम कहने का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा क्या है, अल्फा जो होता है वो सॉल्यूशन होता है, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का सम हमें दिया है 1/4, और प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1। हमें इसके मदद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैंने आपके बहुत आपको बताया था कि अगर हमें डायरेक्ट एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर्म करना है यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, अगर आपको सम ऑफ सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन दिए हुए, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग फॉर्म करते हैं, तो फाइनली क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस, ठीक है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस 1। तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, एक स्टेप और कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 इज आवर एलसीएम, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 4 को उधर भेज देंगे तो 0 में चला जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज आवर आंसर, ठीक है। सिमिलरली हम लोग सेकेंड केस देखते हैं, थोड़ा सेकेंड इंटरेस्टिंग केस है, क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 0 है, तो हमें पता है, इसमें भी हमको वही क्वेश्चन करना है। तो सेम हम यही फॉर्मूला लेके चलेंगे, दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो चलते ही है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है, सम हमारा 0 है, तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो पूरा कंप्लीट 0 हो गया, प्लस √5, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि इसी फॉर्म में है, तो यू कैन सॉल्व इजली, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पॉलिनोमियल्स में खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आगे, फिर डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स में इंटर करेंगे, जिसमें हमें दो पॉलिनोमियल्स दिए रहेंगे और हमें दोनों को डिवाइड करना है, और उससे हम एक डिवीजन एल्गोरिदम बनाएंगे। तो आगे हम लोग अगले लेक्चर में उसको देखेंगे, ओके।